मैं मीनू आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको गार्लिक पाउडर बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही आराम से और जल्दी बन जाने वाला है फ्रेंड। इसे बना करके आप एयर टाइट डब्बे में बंद करके 6 महीने तक रख सकते हैं। इसे आप सूप में, गार्लिक ब्रेड में, कैसे भी आप यूज कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड, बस एक बार सब्सक्राइब कीजिए, सेकेंड टाइम सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड, गार्लिक पाउडर बनाने के लिए हमने इस तरह से लहसुन की कलियों को निकाल करके अच्छे से साफ कर लिया है। इसका हमने आगे पीछे का पूरा कट करके और 2 पानी से वॉश कर ली हूँ। अब मैं इसे बारीक ग्राइंड करूंगी। इसे पीसने में फ्रेंड जितना पानी लगेगा, ज्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा पानी ऐड करके इडली का घोल के जैसा पेस्ट बनाना है। ये इस तरह से एकदम ही बारीक पीस गया है। देखिए, अच्छा सा इस तरह का चाहिए थिकनेस। और इसे मैं एक बाउल में शिफ्ट कर लेती हूँ। इसे आप सूप में डालिए या गार्लिक ब्रेड बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। एक इसे बनाकर आप स्टोर करके एयर टाइट डब्बे में पूरे साल भी रख सकते हैं। फ्रेंड, ये बहुत अच्छा से टेस्टी बनेगा और बना करके आप जरूर रखिए घर में। और इसे शिफ्ट करने के बाद हमने 100 ग्राम लहसुन लिया था, इसको पीसने में हमने आधा कप पानी यूज किया है। और अब इस लहसुन की हम छोटे छोटे बड़ी बना देंगे, जैसे चना दाल की बड़ी बनाते हैं या दाल की बड़ी बनाते हैं, उस तरह से बना के इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये पूरी तरह से सूख नहीं जाएगा, तब तक इसका पाउडर हम नहीं बना सकते। इसे अच्छे से पूरी तरह से सुखा के और फिर पाउडर बनाएंगे। इसे 2 दिन का धूप अच्छे से लगने दीजिए और सूखने दीजिए। इसे बनाने के लिए कॉटन के कपड़े पे डालेंगे तो बहुत जल्दी सूख जाएगा और अच्छे से पाउडर भी बनेगा। इस तरह से फ्रेंड कैसे भी आप डाल दीजिए, बस इसे सूखना है। इसी तरह से मैं सारा पेस्ट को ऐसे ही बना लूंगी और बना के इसे 2 दिन के धूप में सूखने के लिए रख दूंगी। 2 दिन के बाद इस तरह से सूख गया है। देखिए, काफी इस तरह से कुरकुरी हो गई है और एकदम इस तरह से आराम से टूट रहा है और अच्छे से हो गया। अब इसे मैं बारीक पीस लूंगी। पीस के इसको फ्रेंड छान लेंगे ताकि जो रेशे वगैरह है वो सारा कुछ अच्छे से निकल जाएगा। फिर हम इसे एयर टाइट डब्बे में बंद करेंगे। इस तरह एकदम अच्छा सा फाइन पाउडर बन गया है। देखिए, बहुत बढ़िया बना है, इसे छानने की जरूरत नहीं है। और इस पाउडर को आप सूप बनाइए या गार्लिक ब्रेड बनाइए, उसमें ये बहुत टेस्टी लगता है। और देखिए, बनाना कितना इजी है, होममेड बना हुआ है, ना ही इसमें किसी तरह का कोई केमिकल या किसी तरह का कोई चीज यूज किया हुआ है। फ्रेंड, इस तरह से बना के आप एयर टाइट डब्बे में आप 6 महीने तक रख सकते हैं। इसे अगर पानी नहीं लगेगा फिर तो ये पूरा 1 साल तक भी आराम से ये रुक जाएगा। आप इस तरह से बनाइए और एयर टाइट डब्बे में बना के रखिए। इसे आप सूप में, ब्रेड में और भी बहुत सारे चीज़ हैं उसमें आप इसे यूज कर सकते हैं।